बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू मैथ्स लेक्चर 19, यूनिट 1, नंबर्स एंड ऑपरेशंस, एक्सरसाइज 3, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। नंबर्स को आपने फिगर्स में लिखना है, मींस के डिजिट्स में राइट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 82,652। नंबर को वर्ड्स में जब आपने उसको डिजिट्स में चेंज करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखना है कि इसका सबसे ग्रेटर यूनिट कौन सा है। यहाँ पे ग्रेटर यूनिट है थाउजेंड्स। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपने यूनिट्स अदा कर लेने हैं। थाउजेंड जो है ग्रेटर यूनिट है, ग्रेटर यूनिट तक ही आपने करना है। यूनिट्स और थाउजेंड्स, ये टू यूनिट्स ही अदा करें जस्ट। अब इसकी वैल्यूज प्लेस करें, 82,000 जो है 10,000 में लाया करेगा, नेक्स्ट टू जो है थाउजेंड में लाया करेगा। 82 ये थाउजेंड के यूनिट में दोनों वैल्यूज हैं वो प्लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है 652, 600 में लाया करेगा, 5 10 में, एंड नेक्स्ट टू जो है वो यूनिट्स में लाया करेगा। अब इन डिजिट्स को जो वैल्यूज आपने प्लेस कर दी है यूनिट्स में, इन डिजिट्स को इस तरह राइट कर लें 82,652। यूनिट जैसे ही कम्प्लीट हो जाता, यूनिट कम्प्लीट होने के बाद यहाँ पे आपने कॉमा प्लेस करना है जो कि राइट साइड से स्टार्ट करना है स्मॉलर यूनिट्स के। आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 37,000, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें ये टू यूनिट्स ही वैल्यूज प्लेस करेंगे, टू यूनिट्स में फर्स्ट थ्री वैल्यूज है यहाँ पे 00 एंड 37 जो है वो थाउजेंड में प्लेस करेगा। 55,900,332। अब यहाँ पे पार्ट सी में जो ग्रेटर यूनिट है वो है मिलियंस का, मीन्स कि आपको थ्री यूनिट जो है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग ड्रा करने पड़ेंगे। यहाँ पे फर्स्ट यूनिट जो है वंस वाला यूनिट ड्रा करें, सेकंड थाउजेंड्स, एंड नेक्स्ट मिलियंस। अब इनकी यूनिट्स के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज प्लेस करें। 55 मिलियन, 55 मिलियन जो है वो प्लेस करेगा 10 मिलियन, एंड नेक्स्ट 5 जो है वो मिलियन में प्लेस करेगा। नेक्स्ट है 900,900, ये 900 जो है 900,000 में प्लेस करेगा। यहाँ पे 10,000 और 1,000 की कोई भी वैल्यू प्लेस नहीं कर रही है, तो आपने क्या करना है, जीरो दोनों ही वैल्यूज में जीरो प्लेस कर देना है। नेक्स्ट एंड 32, 3 जो है हंड्रेड्स में प्लेस करेगा, 32 3 टेंस में, एंड 2 जो है वंस में। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये सारा प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने की नीड हमें इसलिए होती है कि हम यहाँ पे ये जो जीरो है इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो ये क्लियर हो जाते थे हाउ मेनी जीरोस विल बी प्लेस्ड इन दिस नंबर। अब ये जो वर्ड्स हैं इनको जब नंबर में राइट करेंगे ये बनेगा 55,900। स्मॉलर यूनिट से आपने कॉमा प्लेस करना है। यहाँ से सबसे स्मॉलर यूनिट ये है यूनिट का जो वंस में प्लेस कर रही है वैल्यूज, तीनों थ्री वैल्यूज के आफ्टर आपने कॉमा प्लेस कर दिया। नेक्स्ट है थाउजेंड का यूनिट, ये थ्री वैल्यूज हैं वो थाउजेंड में प्लेस करेंगी। नेक्स्ट 55, देखें डी पार्ट 4,458,000,000। इसका भी आपने इसी तरह सॉल्व करना है कि आपने क्या करना है, पहले प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रा करना है, नेक्स्ट डिजिट रूट्स में पुट करें और नंबर इसका बना दें इसी तरह। अब ये एफ पार्ट जो है ये थोड़ा डिफरेंट है, 9,090,090। अब आपने जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रा करना है उसको बिलियन तक ड्रा करना है, यूनिट्स थाउजेंड मिलियन एंड बिलियन। प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रा करने के बाद आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। ग्रेटर यूनिट से स्टार्ट करें 9 बिलियन, बिलियन में आपने वैल्यू प्लेस कर दी 9,090,000। अब यहाँ पे देखें मिलियन में कोई भी वैल्यू प्लेस नहीं कर रही, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 0,0 पुट कर देने हैं। नेक्स्ट है 90,000, अब 90,000 जो है वो टेंस और थाउजेंड में प्लेस करेंगे। 100,000 में भी कोई भी वैल्यू प्लेस नहीं करेगी, यहाँ पे आपने जीरो पुट कर देना है। नेक्स्ट है वंस की वैल्यूज देखें, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी आप 0,0 प्लेस कर दें। पर इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते क्योंकि नंबर पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको हर यूनिट की वैल्यू चाहिए थी। ऐसे यूनिट जिनकी कोई भी वैल्यूज नहीं है वहां पर आपने जीरो पुट कर देनी है।
नेक्स्ट आपने स्मॉलर यूनिट से स्टार्ट करनी है, वैल्यूज एड करना है। यहाँ पे जीरो जीरो, ये थ्री जीरोस है, नेक्स्ट कॉमा प्लेस कर दिया, यूनिट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगा थाउजेंड्स का। अब यहाँ भी थ्री वैल्यूज, जस्ट 90 ही राइट नहीं करना, थ्री वैल्यूज प्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। हर यूनिट में थ्री थ्री वैल्यूज जो है वो प्लेस करती है। ये थ्री वैल्यूज आपने कंप्लीट कर दी, कॉमा प्लेस करना है। नेक्स्ट मिलियन में भी थ्री वैल्यूज प्लेस करेंगे। यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है, कोई वर्ड्स नहीं राइट किया हुआ मिलियन के लिए, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इनकी वैल्यूज कुछ भी नहीं है तो जीरो थ्री जीरो पुट करने हैं, क्योंकि मिलियन में इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग थ्री वैल्यूज प्लेस करती है जो कि यहाँ पे नहीं है, तो आपने थ्री जीरोज प्लेस कर देने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो गया बिलियन। बिलियन का ये डिजिट दिया गया है 9 बिलियन, 9 बिलियन राइट करें, यहाँ पे कॉमा प्लेस करें 9। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आपने क्या करना है, जो जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने सबसे पहले इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग अपना चार्ट ड्रा करना है, वैल्यूज प्लेस करनी है। नेक्स्ट फिर आपने उसको डिजिट्स में राइट करना है। सर आपके मिस्टेक के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं अगर आप उसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग, प्लेस वैल्यूज के बाद ही उसको डिजिट्स को राइट करते हैं।